हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानास किचन। आज हम देखेंगे फ्रूट ट्राइफल बनाने की रेसिपी। उससे पहले मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, और वो ये है कि हमारे चैनल शानास किचन ने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। ये आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच टू ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर सपोर्टिंग मी, एंड स्पेशल थैंक्स टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स मुझे हमेशा इनक्रेज करने के लिए और मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम 10,000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं फ्रूट ट्राइफल बनाने की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम जेली तैयार कर लेते हैं। मार्केट में इस तरह के जेली के पैकेट्स ईजिली अवेलेबल है, और ये अलग अलग फ्लेवर्स में मिलते हैं। इसके पीछे आपको सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसे फॉलो करके आप जेली बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 फ्लेवर्स के जेली पैकेट यूज़ किए हैं, और जेली को बना के अब हम इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम कस्टर्ड को तैयार करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ में हम इसमें 3 बड़े चम्मच शक्कर ऐड करेंगे, और उसमें से थोड़ा सा दूध मैंने साइड में निकाल दिया है। इसमें हम 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और कस्टर्ड पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है और कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिए, नहीं तो कस्टर्ड में लम्स बन जाएंगे। इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे और फिर हम गैस को बंद कर लेंगे। अब हम कस्टर्ड को दूसरी बाउल में ट्रांसफर करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ठंडी, बिल्कुल चिल्ड व्हिप क्रीम ली है। ये व्हिपिंग क्रीम भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, और इसे हम बीटर की मदद से या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से व्हिप कर लेंगे। इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक हमें इस तरह के सॉफ्ट पिक्स नहीं मिलते। अब मैंने व्हिपिंग क्रीम को एक प्लास्टिक के बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरह से, ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी हो। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, आप चाहिए तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए, जो हमने जेली सेट करने के लिए रख दी थी वो अच्छे से सेट हो गई है। अब हम एक नाइफ की मदद से इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने जेली को भी अच्छे से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और फ्रूट ट्राइफल बनाने के बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सीजनल फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं। मैंगो, एप्पल, बनाना, चिक्कू, स्ट्रॉबेरी, जो भी आपके पास अवेलेबल फ्रूट्स हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो आप कैंड फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप वाटरमेलन अवॉइड करें, ताकि वाटरमेलन पानी छोड़ता है। नेक्स्ट हमें प्लेन स्पॉन्ज केक लगेगा, इसे भी मैंने रेडीमेड ही यूज़ किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रूट जूस लिया है, आप अपने पसंद से कोई भी फ्रूट जूस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये व्हिपिंग क्रीम है जो अभी हमने रेडी की थी, और ये कस्टर्ड है जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था, और थोड़े से चेरीज लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो सारी प्रिपरेशन हो गई है, अब हम फ्रूट ट्राइफल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्लास का बाउल लिया है, और इसमें हम सबसे पहले केक की लेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट हम केक के ऊपर से थोड़ा थोड़ा जूस स्प्रेड करेंगे, जिससे कि केक हमारा मॉइस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर फ्रूट की लेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट उसके ऊपर से हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर से जेलीज की लेयर लगाएंगे।
और अब हम फाइनल लेयर व्हिपिंग क्रीम के लगाएंगे। स्पून या किसी स्पैचुला की मदद से इसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। अगर आपने इससे बड़ा बाउल लिया है तो फिर आप सारे लेयर्स को एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब बारी आती है डेकोरेशन की, तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए आप यूज़ करके इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स यूज़ किए हैं, ऊपर से थोड़ी सी ग्रीन जेली और थोड़ी सी रेड जेली भी ऐड करूँगी। नेक्स्ट हम इसमें लगाएंगे थोड़े से चेरीज, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चॉकलेट भी ग्रेट किया है इसके ऊपर से। आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ऊपर से इस पे थोड़े से कीवी के स्लाइसेस लगाए हैं। इसी तरह से आप सिंगल सर्विंग्स भी बना सकते हैं। उसके लिए आप इस तरह से कोई डेजर्ट बाउल या फिर ग्लास यूज़ कर लें, या फिर आप यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी हम सिमिलरली एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाएंगे और ऊपर से गार्निश करेंगे। ये बहुत ही इजी डेजर्ट है एंड इट्स अ मस्ट ट्राई। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही यमी, क्रीमी एंड फ्रूटी है, हेल्दी भी है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। ये देखिए फ्रूट ट्राइफल बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूले, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। And once again, thank you so much for supporting Shana's Kitchen. Thank you.